नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 4 नवंबर 2023 शनिवार का दिन है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:39 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 6:17 पे चंद्रमा की स्थिति रहेगी कर्क राशि पे, यानी कि आपके लाभ भाव 1-10 भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन शाम 5:10 से लेकर शाम 6:32 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि को आज मेहनत और परिश्रम से सफलता अर्जित कर पाएंगे। मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। काफ़ी समय से जो टेंशन चल रहा था नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, उससे राहत मिलेगी। आज उच्च अधिकारियों को साथ मिलेगा। आपका जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ही अच्छा रहेगा, काबिले तारीफ रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से आज मान सम्मान प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आज थोड़ी बहुत सफलता भी देखने को मिलेगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। पार्टनर में कोई काम करते हैं तो कन्या राशि को आज सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन एक दूसरे से सामंजस्य की स्थिति बनाए रखिएगा। उधार कर्जा किसी को ना दे और आज जमीन प्रॉपर्टी संबंधी कोई महत्वपूर्ण यानी कि शुभ समाचार मिलेंगे। घर परिवार का साथ मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। माता की सेहत में सुधार। पिताजी के द्वारा धन के लाभ की प्राप्ति होगी। आज जमीन प्रॉपर्टी संबंधी कोई लाभ होगा। राजनीतिक मसले हल होंगे और रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। आज पड़ोसियों के साथ भी संबंध आपके काफ़ी मधुर बने रहेंगे। साथ ही साथ आज घर परिवार के लिए समय दे पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई पे आज मन लगेगा। आज कोई एग्जाम वगैरह है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको पढ़ाई पर फोकस करना होगा। मित्रों के साथ घूमने से बचना होगा। साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। खान पीन की चीज़ों से परहेज करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें हो सकती हैं, मौसमी बुखार या फिर मौसमी कोई दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। उधार कर्जा किसी को न दे, किसी से बहसबाजी न करें। आज शेयर मार्केट में पहले से निवेश किए हुए हैं तो विशेष लाभ होगा। जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा हर कदम पर। जीवन साथी से संतान को लेकर आज बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नए योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। कई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विदेश जाने का योग बनेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए आज बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेंगे। नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अधिक से अधिक सफलताओं की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बता दें कि मित्रों के द्वारा भी धन लाभ का प्राप्त होगा। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ होगा। प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे। शादी ब्याह की चर्चाएं करेंगे। अविवाहित जातों के नए रिश्ते आएंगे जिससे मन में खुशियां रहेंगी। घर में आज कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, शुभ कार्यक्रम हो सकता है। गाड़ी वाहन और जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और मान प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आना जाना रहेगा। सामाजिक कारोबार होंगे और वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा भूरा कलर। भाग साथ निभा तकरीबन आपका 83% और शुभ अंक रहेगा 5। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।